उत्तराखंड के सितारगंज स्वच्छ भारत अभियान की खुली पोल। शहर के अधिकांश वार्डों में हल्की बरसात से नगर पालिका परिषद क्षेत्र में बस्तियों में भरा पानी, जिससे आने वाले वार्ड वासियों को हो रही है दिक्कत। वहीं स्वच्छ भारत अभियान की भी यह तस्वीरें पोल खोल रही है कि कूड़े के ढेर और गंदगी के वार्डों में बने हैं। अंबार मोहल्ले और वार्ड वासियों के बार बार शिकायत के बाद भी SDM और पालिका प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। जन प्रतिनिधियों द्वारा भी पूर्व में भी तहसील प्रांगण में प्रदर्शन कर सफाई व्यवस्था और रोड बनाने की मांग वार्ड वासियों के द्वारा कई बार की जा चुकी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के अनसुना करने के बाद आज वार्डों और बस्तियों के हालात बद से बदतर हो गए। हल्की बारिश से फैली गंदगी में बदबू से लोग परेशान हैं, लेकिन अभी पालिका प्रशासन या स्थानीय प्रशासन सफाई व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। देश के प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान में अरबों रुपए पूरे भारत में खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सितारगंज में स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर करते हैं खाना पूर्ति। वहीं दर्जनों बार तहसील में प्रदर्शन ज्ञापन देने के बाद भी आज तक कोई भी कार्यवाही स्वच्छता को लेकर अमल में नहीं लाई गई है। वहीं दूसरी तरफ वार्डों और बस्तियों के हालात ऐसे हैं कि जहां रोड भी नहीं बनाई गई है और हल्की बारिश में पानी भी भर जाने की वजह से गंदगी फैली हुई है, जिससे बीमारी होने का भी खतरा पनप रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि अगर एक सप्ताह के अंदर सफाई व्यवस्था और पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो तहसील प्रांगण में धरना देंगे। पेश है सितारगंज के संवाददाता अनीस रजा की खास रिपोर्ट। भर जाता है, कोई भी आवेगा देख के चला जाता है, या मिट्टी का या किसी बात का कोई देखा ही नहीं है। कहेगा कि जगह जगह तो मट्टियां डलवा रहे हैं, पटान करवा रहे हैं, यहाँ पर कौन सी ऐसी बात है जो पटान नहीं फिर आएगा। बच्चे स्कूल जाए, मदरसे जाए, कॉलेज जाए, बेचारे सभी परेशान है, मजदूरा आदमी निकलने में दिक्कत है। आप देख रहे हैं इस तरीके की गलियां, आपको पूरे शहर के अंदर कई गलियां ऐसी दिखाई दी होंगी। ये गरीब बस्ती है, मजदूर वर्ग के लोग यहाँ निवास करते हैं। आप ये देखिए, इतना ज्यादा यहाँ पर नीचे घरों से नीचे इतना ज्यादा गड्ढे में ये गलियां हैं। अभी तो आप देख रहे हैं मौसम को, मानसून आने वाला है और बारिश हो जाएगी, और बारिश होने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि कंधे से ऊपर ऊपर तक पानी भर जाएगा। भरने के बाद ये सारे लोग यहाँ पर बंधक बन के रह जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई पार्टी हो, यहाँ पे कम से कम ये सारे जितने लोग हैं इनको रहते रहते 15 साल से ऊपर निवास करते हुए हो गया, लेकिन यहाँ पर सुध लेने वाला कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ पर वोटों की राजनीति करते हैं, वोटों के टाइम पे आते हैं और वोट मांग के चले जाते हैं। आप ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे तो इस गड्ढे में जो है कि बारिश के बाद डूब के मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे? कई बार मांग करने के बावजूद भी, तहसीलों के नगर पालिकाओं के चक्कर काटने के बावजूद भी हमारी यहाँ पर कोई सुध नहीं ले रहा है। हमारी मांग है कि शीघ्र इसमें मिट्टी भरान करके जो है कि सीसी मार्ग बनाया जाए, अन्यथा जो है कि हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पानी भरा हो जाता है, इसमें हम लोगों को जाने आने के लिए बहुत परेशानी होती है। आज कोई डेथ हो जाए, हमारी यहाँ मौत हो जाए किसी की, तो हम कब्रिस्तान कैसे जा पाएंगे? हमारे लिए वहाँ जाने के लिए कोई निकास नहीं है, न ही कोई सुविधा है हमारे लिए। हम बहुत लोग परेशान हैं, 15 साल से 20 साल से हम यही कहते चले आ रहे हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, हमारा कोई काम नहीं हुआ है। समझे, कोई सी पार्टी हो, कोई सी पार्टी ने हमारा कोई साथ दिया ही नहीं आज लोग। और मुस्लिम पार्टी है यहाँ पर, मुस्लिम समाज से ऐसा है, यहाँ पर भेदभाव हो रहा है हमारे लिए। इस बात में हमारी जो भी है, कोई समस्या हमारी आज लोग कोई पूरी हुई नहीं है कभी। हमने तहसीलदार से शिकायत करी थी, IDM साहब से शिकायत करी थी, GO से शिकायत करी थी, और जे साहब से भी कहा था, कोई आदमी हमारे सुनने के लिए राजी नहीं है।